उत्तराखंड के चार धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम अपनी सुंदरता और अनूठी परंपराओं के कारण दुनिया भर में विख्यात है। आपको यह जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि श्री बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को कपाट बंद होने के दिन एक स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। पुरुष होने के बाद भी न सिर्फ स्त्रियों की तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं, बल्कि स्त्रियों की तरह ही श्रृंगार भी करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम श्री बद्रीनाथ धाम के इस गूढ़ रहस्य को जानेंगे, साथ ही आपको श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए श्री बद्रीनाथ मंदिर के अंदर के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी टू फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भगवान श्री बद्रीनाथ के यहाँ पर विराजने की पूरी कथा जानना चाहते हैं, तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब बंद होंगे, इसकी तारीख विजयादशमी के दिन तय होती है। रावल जी की राशि के आधार पर पंचांग को देखते हुए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री बद्रीनाथ के इस मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल जी कहा जाता है। सामान्य रूप से नवंबर में श्री बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का मतलब सिर्फ मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर देना नहीं है, मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के कपाट भी विधि विधान से बंद किए जाते हैं। इसके लिए तारीखें भी अलग अलग होती है। समस्त मंदिरों के कपाट बंद होने की इस पूरी प्रक्रिया को पंचांग पूजा के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से 5 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, उनका अभिषेक किया जाता है और गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश की मूर्ति को बद्रीश पंचायत यानी बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाता है। गणेश मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही यहाँ पर होने वाली वेद ऋषाओं का पाठ भी बंद हो जाता है। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में स्थित आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी विधि विधान से बंद कर दिए जाते हैं। आदि केदारेश्वर भगवान को विशेष रूप से पके हुए चावलों का भोग लगाया जाता है। यहाँ की सबसे विशेष परंपरा है मुख्य पुजारी का स्त्री रूप में आना। दरअसल यहाँ पर इस मंदिर परिसर में माता लक्ष्मी का एक अद्भुत मंदिर भी बना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही लक्ष्मी जी बद्रीश पंचायत छोड़ देती है और अपने मंदिर में विराजमान होती है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी के इस मंदिर के कपाट खुले रहने के दौरान लगभग 6 महीने तक लक्ष्मी जी अपने मंदिर में ही विराजमान रहती है, और जैसे ही कपाट बंद होने का समय आता है तो उन्हें बद्रीश पंचायत यानी कि भगवान विष्णु के पास पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह कोई सामान्य रूप से लक्ष्मी जी की मूर्ति को उनके मंदिर से उठाकर बद्री विशाल के गर्भगृह में रखने का मामला नहीं है। बकायदा कपाट बंद होने से ठीक 1 दिन पहले लक्ष्मी जी को बद्री पंचायत में विराजमान होने का निमंत्रण दिया जाता है, और यह निमंत्रण लेकर जाते हैं बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी यानी कि रावल जी। निमंत्रण मिलने के बाद माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी बद्री पंचायत में जाने की तैयारियां शुरू कर देती है, क्योंकि बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल जी एक पुरुष होते हैं और लक्ष्मी जी को अपने हाथों से स्पर्श कर उठाना उचित नहीं माना जाता है। इस वजह से इस परंपरा को निभाने के लिए रावल जी बनते हैं लक्ष्मी जी की सखी यानी कि एक स्त्री। वह माता लक्ष्मी जी की एक सखी के रूप में स्त्री रूप को धारण करते हैं और उसी के अनुसार श्रृंगार भी करते हैं। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को उठाते हुए वह बद्री विशाल के मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, और इस तरह रावल जी माता लक्ष्मी जी की इस मूर्ति को भगवान श्री बद्रीनाथ के मुख्य गर्भगृह में विराजमान कर देते हैं। अब अगले 6 महीने तक लक्ष्मी जी इसी बद्रीश पंचायत में श्री हरि के सानिध्य में निवास करेंगे। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी का इस रूप में आकर इस परंपरा को निभाना बेहद ही खास है। इस परंपरा के साथ ही भगवान श्री बद्रीनाथ के इस मंदिर में कई अन्य परंपराएं भी होती है। इन्हीं परंपराओं का पालन रावल जी को करना पड़ता है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और इससे पहले आपको इस बारे में इतनी विस्तृत जानकारी किसी ने भी नहीं दी होगी। दोस्तों अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस मंदिर के मुख्य पुजारी यानी कि रावल जी कैसे बनते हैं, तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी बताई है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बोलिए जय बद्री विशाल।